बस की विंडो वाली सीट, बस की विंडो वाली सीट सुनते ही अनगिनत तार बज उठे ना। किसी के दिल में सरगम तो किसी के दिल में रैप जरूर बजा होगा। लेकिन कोई ये मत कहना कि कुछ कुछ होता है मेरे यार, तुम नहीं समझोगे। हम मिडिल क्लास वाले लौंडे लड़ झगड़ के विंडो वाली सीट लेते हैं ताकि स्वर्ग का टिकट कटा सकें, और इसी उम्मीद में विंडो की सीट पे जाके बैठते, कानों में ईयरफोन लगाते हैं और गाना बजता है, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो। लेकिन बिना पूछे ही बताता हूं कि हम जनरल कैटेगरी वाले लोग हैं और यहां किस्मत भी बहुत एक्सेप्शनल केस में ही आती है, तो आप समझ ही गए होंगे कि यहां किसी मोहतरमा की मौजूदगी तो नहीं है। फिलहाल मैं बहुत परेशान था और दिवाली आने वाली थी, और इसी जद्दोजहद में कि दिवाली कल है और एक साल बीत चुका था, मैं घर नहीं जा पाया। तो अपने यादों की पोटली लिए मैं पांडिचेरी की बस में जा बैठा, और इसी सोच में कि अपनी निराशाओं की पोटली बनाकर रॉकी बीच के समुन्दर में उसकी जल समाधि दूंगा। फिर जैसे जैसे मैं चलता गया, मुझे एक चीज लगा कि तमिलनाडु में तो मुझे 8 साल हो गए हैं, तो फिर मैं अभी तक पौंडी क्यों नहीं गया। तो आपको समझने की जरूरत नहीं है मेरे कद्रदान, मैं कुछ इस प्रकार बताता हूं। हालांकि मेरा अंदाज शायराना जरूर है, पर मुझे किसी मैखाने की जरूरत नहीं कि मैं अपने जज्बात उकेर सकूं, और ना ही मैं किसी मलिका के गेसुओं में उलझा हुआ हूं कि उसके साथ कुछ शामें गुजार सकूं। दिमाग में यही सब केमिकल लोचा चल रहा था कि मैं विंडो की सीट से बाहर देखता हूं और एक अधनग्न 7-8 साल का बच्चा मुझे देखता है, और उसकी आंखों में मानो ऐसी चमक है कि सूरज को भी वो टक्कर दे सके। वो अपने दोस्तों के साथ एक मामूली बांस की लकड़ी लिए हुए मछली मार रहा था, और वो उसके साथ भरी जवानी दोपहरी में सिर्फ उसका एक ही लक्ष्य था, मछली पकड़ना। चाहे कितना भी समय लगे, कितना भी मुश्किल हो, बस उसका एक ही लक्ष्य था, मछली। और ये सब करते हुए उसे ना दिवाली की परवाह थी, ना दुनिया की जगमगाहट, ना किसी और चीज की फिक्र। और जैसे जैसे समय बीतता गया, मानो उसकी शिद्दत मुझे ठेंगा दिखा रही हो, ये जो तुम्हारे ब्रांडेड कपड़े हैं ना, ये नकली परफ्यूम, ये चश्मा जिससे तुम दुनिया की हकीकत को छुपा रहे हो, ये सब बेईमानी है। हालांकि ये बसों की उथल पहल, बच्चों का बेमतलब का रोना और कंडक्टर से छुट्टे की बेपरवाह बहस मुझे महसूस करा रही थी कि मैं गलत जगह हूं, लेकिन मानो कोई संत मुझे बुलावा दे रहा हो कि आज तक जो जिंदगी के सादे पन्ने तुम्हें लिखे हैं और बाद में भी जो लिखोगे उस पे ये बाहर आवरण कोई काम नहीं आने वाला, काम इसके ना रहने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर तुम ये नहीं पा पाओगे तो दुख जरूर होगा, और बहुत ज्यादा। मैं ये सब सोच ही रहा था कि एक और चीज मेरे दिमाग में कौंधा कि अगर तुम्हें सच में खुशी चाहिए तो मेरी तरह नग्न बनो। नग्न का ये मतलब नहीं है कि तुम्हें सिर्फ कपड़े नहीं पहनने, तुम्हें किसी डेट की जरूरत नहीं, किसी वेशभूषा की जरूरत नहीं, और ना ही किसी उपलब्धि की जरूरत, तभी तुम कहीं पहुंच सकते हो। और ये सब बतलाते बतलाते मैं एक अलग दुनिया में पहुंच गया। मैं सोच रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये बच्चा है या कुछ और? और मानो वो खिड़की से इस तरह ओझल हुआ जैसे धुआं, और कब रोड की सफेद काली पट्टियां पीली में बदल गई मुझे पता ना चला। और मैं खिड़की से देखता हूं तो हर एक चीज मुझे खूबसूरत लगने लगती है, हर एक चीज। वो गिलहरियों का मदमस्त सा झुंड, वो गुमनाम से खाना बदोश फूल, और एक बूढ़ी माँ की सच्ची परछाई जो अपना रोजगार नारियल बेचने को करती है, हर एक चीज मंत्रमुग्ध करने वाला था। हालांकि सफर खत्म होने को था और मेरा गमों का मोम भी पिघल चुका था, तो मैंने खिड़की से बाहर किसी नायिका को तो नहीं देखा, लेकिन हाँ,
अपने जीवन का अस्तित्व जरूर पा लिया था। तो अगले बार अगर आप बस में बैठें और विंडो वाली सीट मिल जाए तो ये कोशिश मत कीजिएगा कि बगल में आपको कोई खूबसूरत दिखे या उसकी खूबसूरती में डूब जाए। बाहर देखने की जहमत जरूर उठाना, शायद आपको जिंदगी जीने का एक खूबसूरत बहाना मिल जाए। That's all.